हम लोग बदल देंगे। ऑन पैसिव एक पूर्ण सौदा है। इसके निर्माता श्री एस ओ फारा की कभी हार न मानने वाली भावना के कारण हम सभी विजेता हैं यहाँ पर। यहां तक कि जब उनके सबसे करीबी लोगों ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता और उन्होंने नहीं सुना उसको, क्या हमें खुशी नहीं है कि श्री एस ओ फारा जिद्दी हैं? उन्हें अपने ऑन पेसिव कार्य को जारी रखने की शक्ति का आशीर्वाद मिला है जो असाधारण है। इसीलिए मैं बोलता हूं अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आपका स्वागत है। किसी चीज को कहना और रखना एक चीज होता है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप बहुत धन्यवाद आशीर्वाद प्रणाम करते हैं, इतना करने की क्या जरूरी है? तो दोस्तों, धैर्य पूर्वक किसी चीज को सुनना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपके अंदर में धैर्य नहीं है तो शायद आपको विचार करना चाहिए आपके बुद्धि विवेक पर, और आपको करेक्शन करना चाहिए खुद में। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना बहुत आसान है, और हम स्वयं को बदलना अगर शुरू कर दें तो दुनिया स्वयं बस खुद ब खुद बदल जाएगी। तो ये जो रात में आया है वेबसाइट में हमारा अपडेट सेक्शन में, उसमें हमारे एस मुफारा को और ऑन पैसिव कार्य को जारी रखने के लिए एस मुफारा को शक्ति मिला है, आशीर्वाद मिला है। मैं भाई कई बार बोला हूं कि उनमें रूहानी ताकत है जो असाधारण है। ऑन पैसिव में अर्ली बर्ड जो सहयोगी है, यानी हम सभी जो 14,27,000 लोग हैं, हम एक अविश्वसनीय कंपनी का हिस्सा बनकर धन्य है। ऑन पैसिव इंटरनेट के अधिकांश जो यूजर हैं उनके लिए निर्मित इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिग्गज है, जो यूजर को लाभ पहुंचाने के लिए ऑनलाइन अतिरिक्त पैसे कमाने का तरीका ढूंढ कर देने वाली है। और दोस्तों, वहां लिखा हुआ है आखिरी में, आपका दिन आ गया है। ऑन पैसिव दुनिया को हिला देने वाला है। तो ये मैसेज आया है अपडेट सेक्शन में, आप ofounders.net में जाइए, वहां पर अपडेट सेक्शन में जाकर ये पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है सबके लिए। और आई होप कि आप लोग सबों ने इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। और हम कुछ करंट सिनेरियो पर बात करते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट पर, फिर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। ओ ट्रैकर का जो इंफॉर्मेशन कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो ओ ट्रैकर का जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है वो गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल प्ले स्टोर में आ गया है, बट हमारे ओएस में नहीं आया है। तो हमें इंतजार करना चाहिए उसके लिए। जब तक वो ओएस में नहीं आता है तब तक धैर्य रखिए, धीरज रखिए, जब ओएस में आएगा तब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ओ कनेक्ट स्पीकर, स्पीकर के लिए जो लोग पूछते हैं कि सर स्पीकर लिंक पे हम कैसे आएंगे, तो दोस्तों ये ओ कनेक्ट का जो मीटिंग होता है इसमें स्पीकर लिंक पे 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, ओनली 100 लोग। तो जब 100 लोग फुल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर अनुमति नहीं मिलेगा अंदर आने का, आपको अटेंडी लिंक से आना पड़ेगा। और अगर आप अटेंडी लिंक में आ गए हैं लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वहां पर स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आपको 2 मुंडी नीचे दिख रहा होगा टास्क बार में, उसको आप टच करेंगे। बस टच करना है, आपका रिक्वेस्ट मुझे दिखना लगेगा, यानी जो होस्ट होते हैं उनको आपका रिक्वेस्ट दिखने लगता है, और वो आपको चाहे तो आपको यहाँ पर ला सकते हैं। और वो तभी ला पाएंगे जब स्पीकर लिंक खाली होगा, जब ये पूरा फुल होगा तो वो चाह करके भी नहीं ला सकते। नेक्स्ट, ओ कनेक्ट पैकेज के बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है कि सर ओ कनेक्ट का पैकेज सुन रहे हैं कि $5,000 का हो जाएगा, क्योंकि एस ने 360 के वेबिनार में कहा था कि इसकी कीमत $5,000 हो चुकी है पर मंथ। तो इस पर बहुत सारे लोगों के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। कई लोग पूछ रहे थे कि सर क्या 5,000 पैकेज हो जाएगा ओ कनेक्ट का? तो उनके लिए मेरा जवाब है, मे भी हो सकता है, $5,000 का भी हो सकता है।
जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, जितने फीचर इसमें दिए गए हैं और जितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है उसके अनुसार 5,000 हो भी सकता है। लेकिन एस ने एक बात और कही थी कि यहाँ पर हम छोटे छोटे पैकेज भी ला सकते हैं, स्मॉल पैकेज भी हम ला सकते हैं, जहां पर आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीना दिन के लिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप जैसा आप समझे उस तरह का पैकेज आप यहां पर ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जो मुझे पूछे थे उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लोगों ने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी से हमारा पैकेज बाई हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, आप क्रिप्टो करेंसी से पैकेज बाई कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से पैकेज बाय करना आता है तभी आप कीजिए, आप एक्सपर्ट हैं तो, नहीं तो एक्सपर्ट की सहायता लें। अगर आपको किसी से कहीं कोई मदद नहीं मिलती है तो आप मेरे से पर्सनल मदद ले सकते हैं। इसके बाद आप सबको मैं एक सलाह दूंगा कि फॉलो द डेली अपडेट, प्रतिदिन के अपडेट को आप फॉलो करें। बैक ऑफिस को लॉग इन करिए, ओ फाउंडर्स वाले बैक ऑफिस में जाइए, ओईएस के बैक ऑफिस में जाइए, हर दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आपको आता है। आपको सजग रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। ओ वेरीफाई के लिए लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं, सर ओ वेरीफाई के लिए इतना बम फूटा, लोग चिल्लाए, लेकिन ओ वेरीफाई कब आएगा? तो उनके लिए मेरा उत्तर है, ओ वेरीफाई इज कमिंग सून, कभी भी हमारे ओईएस में दिख सकता है अचानक। जैसे हम लोगों को यहाँ पर ये वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए अचानक दिखा था, हम लोगों ने अचानक यहाँ पर देखा था, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो कोई भी यहाँ पर सडनली आपको आएगा उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, अचानक आपके प्रोफाइल में। और कहाँ दिखेंगे वो भी मैंने पीपीटी शेयर करके आपको बता दिया था एक वेबिनार में कि ओ वेरीफाई में क्या क्या फीचर रहने वाले हैं। तो जो लोग ओ वेरीफाई के फीचर को नहीं देखे हैं या ओ वेरीफाई कैसे करना है उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे वीडियो में पड़ी हुई है, आप लोग यूट्यूब वीडियो पर हमारा जा करके देख सकते हैं। और उसके पहले आप सबको मैं प्रतिदिन जगाता हूं कि आप अपने ओईएस प्रोफाइल को सही कर लीजिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड है जिससे आपकी नागरिकता पहचान होती है उसके अनुसार, आप किसी कंट्री में है डजंट मैटर, आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके नागरिकता पहचान का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार नेम, स्पेलिंग, सरनेम, ओवरऑल सारी चीजें हूबहू आपके ओईएस प्रोफाइल में होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है वो उसी तरह से वहां पर आपका लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका नोट होना चाहिए, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा सरनेम नहीं है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में क्या लिखेंगे? तो सपोज दैट आपका नाम है नमन लेकिन आगे कुमार नहीं लगा हुआ है, न सिंह लगा हुआ है, न शर्मा लगा हुआ है, सिर्फ नमन है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में नमन नमन कर देना है, बस हो गया, दोनों में एक ही नाम भर देना है। अगर नाम के आगे पीछे आपका कुछ नहीं है तो आपको दोनों में एक ही वर्ड भरना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। और वो वेरीफाई कभी भी आ सकता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है मे बी नेक्स्ट मंडे तक आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग वो कनेक्ट में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, बफरिंग करता है या वेबसाइट डोंट बी रीच्ड बताता है, एरर बताता है, हम आईडी पासवर्ड डालते हैं तो भी वो ऊपर में रेड कलर से लिखा हुआ एरर आ जाता है, आखिर क्या कारण है? तो उनके लिए मेरा उत्तर है कि जो लोग भी ओ कनेक्ट में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया क्रोम ब्राउजर से ही ज्वाइन करिए, अभी आप मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग ना करें। जिन भाई बहनों ने ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में तो आप अपने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, पहले नंबर आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओ कनेक्ट से ही हम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आपका 5G नेटवर्क होना चाहिए, आपके मेमोरी खाली होना चाहिए,
और जब आप आईडी पासवर्ड वहां पर डालते हैं तो स्पेस नहीं होना चाहिए आगे पीछे, ये ध्यान रखिएगा। जब आईडी पासवर्ड आप डालते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो कनेक्ट के मोबाइल एप्लीकेशन में अभी आ रहा है, जहां पर आप टाइप तो कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आप कर्सर ले जाके देखिए आगे और पीछे, जैसे ओमेल आपने डाला लिखा तो उसके आगे और पीछे कर्सर ले जाकर देखिए कि कोई स्पेस तो नहीं रह गया है, वो आप उस स्पेस को हटा दीजिए। पासवर्ड में भी आप चेक करिए स्पेस तो नहीं है, स्पेस को हटा दीजिए तो आप फ्लेवलेस आप लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो आपका हमेशा आपका पासवर्ड वहां पर गलत बताता है, रॉन्ग बताता है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। और मेरा सलाह है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो ओ कनेक्ट का है अभी उसको मत यूज करिए, इसलिए कि आयस ने भी 360 वेबिनार में कहा था कि हम आपको एक नया मोबाइल एप्लीकेशन ओ कनेक्ट का इसी महीने के अंत तक देने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही फ्लेवलेस काम करने वाला है, टच किए और पानी की तरह काम करेगा, तो वो भी आने जा रहा है। तो आप लोग मेक श्योर जब भी ओ कनेक्ट में आप इंटर करें तो क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें दोस्तों, और हमेशा मीटिंग में आने से पहले आप 10-15 मिनट पहले ये वार्म अप करें, तैयारी करें, पहले आप क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए, ताकि जो हमारे वेबसाइट में नए अपडेट जो जुड़ते हैं वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, वहां पर ग्लिचेज आते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे रीसाउंड में एक लाउटर का यानी लाफिंग के लिए हंसाने वाला एक वहां पर एक रीसाउंड आया है, तो एक नया जुड़ा है वो, तो जो लोग रिफ्रेश करके आते हैं यानी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करके आते हैं तो उनको प्रॉपर वो नई जो चीजें ऐड ऑन होती है वो दिखती है और उनको ओ कनेक्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मेक श्योर जब भी आप ओ कनेक्ट में आइए इंटर करने से पहले 5-10 मिनट पहले अपने क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करिए और क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री से ही आप मीटिंग में इंटर करिए, और पहले आप क्रोम ब्राउजर में जाके अपने आईडी को लॉगिन कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में जहां से मीटिंग लिंक दिया गया हुआ है, आप मीटिंग लिंक को टच करेंगे तो फिर शायद आपको दोबारा लॉगिन करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने आईडी को लॉगिन करके रखा है क्रोम ब्राउजर में, तो आप डायरेक्ट मीटिंग में चले जाएंगे। तो ये चीज आप प्रयोग करके देख सकते हैं।